Hello, students. This video is for class LKG. So, let us start. We have three sections in this video, in this sheet. Okay. So, the three sections are of Maths, English, and EVS. Maths, English, and EVS. Let's start with English. Trace these lines and help B to reach the flower. So, what we have to do is we have to trace the lines. हमें लाइन्स ट्रेस करनी है और बी को हेल्प करना है फ्लावर तक पहुंचने में ओके यू कैन सी सम डॉटेड लाइन्स यहाँ पर डॉटेड लाइन्स बनी हुई हैं आपको क्या करना है विद दी हेल्प ऑफ पेंसिल पेंसिल की हेल्प से आपको इन पर ट्रेस करना है ओके okay? ट्रेस करके इन लाइन्स को कंप्लीट करना है और बी को हेल्प करना है फ्लावर तक पहुंचने में अंडरस्टूड या सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रेस दीज लाइन्स एंड हेल्प द बी टू रीच द फ्लावर ओके वेन यू विल ट्रेस द लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल जब आप पेंसिल की हेल्प से लाइन ट्रेस करेंगे तो ये जो लाइन है ये जो रास्ता है ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द बी कैन रीच द फ्लावर बी फ्लावर तक पहुँच जाएगी नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश सर्कल द पिक्चर फॉर द गिवेन बिगिनिंग लेटर सर्कल द पिक्चर फॉर द गिवेन बिगिनिंग लेटर ओके यू कैन सी थ्री लेटर्स ये एंड अ फ्यू पिक्चर्स वॉट वी हैव टू डू हैव टू सर्कल द पिक्चर फॉर द गिवेन बिगिनिंग लेटर जो लेटर गिवन है उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड पिक्चर को हमें सर्कल करना है ओके लाइक एम फॉर मैंगो विविल सर्कल मैंगो एम फॉर मीट सर्कल मीट के के फॉर कीजिल कीज अंडरस्टूड सो वॉट वी हैव टू डू हमें क्या करना है हमें इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है उनके नेम समझना है और फिर इस गिवेन लेटर से हमें मैचिंग पिक्चर को हमें सर्कल करना है अंडरस्टूड

E for Elephant F for Fish G for Grapes H for Hen I for Ice Cream J for Joker J for Joker K for Kite L for Lion M for Monkey N for Nose N for Nose O for Orange O for Orange P for Parrot Q for Queen R for Rabbit S for Sun T for Tiger U for umbrella v for van w for watch x for xylophone y for yacht z for zebra

वी हैव टू सर्कल द पिक्चर विच स्टार्ट विद द बिगिनिंग लेटर जो बिगिनिंग लेटर मीन्स एम के ए ये थ्री लेटर हैं इन लेटर से स्टार्ट होने वाले पिक्चर के नेम को ही हमें उन्हीं पिक्चर को हमें सर्कल करना है ओके okay? उसी पिक्चर को सर्कल करना है जो इन लेटर से स्टार्ट हो अंडरस्टंडके वेरी गुड ना सीधा

काउंट द नंबर ऑफ पेन्स इट विल बी एलेवन एलेवन पेन्स आर देर यू कैन काउंट एलेवन सो वट वी विल डूल सर्कल द नंबर इलेवन ओके एलेवन नंबर करेक्ट है सो वी विल सर्कल एलेवन अंडरस्टूड सो वॉट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, में क्या करना है पिक्चर्स को काउंट करना है और करेक्ट नंबर को सर्कल करना है अंडरस्टूड गुड नाउ सी द्वेश्चन ऑफ मैथ्स आइडेंटिफाई द मोर नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच सेट एंड सर्कल एट ओके वट वी हैव टू डू हमें क्या करना है इसमें वी हैव टू फाइन वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोर नंबर ऑफ थिंग्स ओके हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में ज्यादा ज्यादा थिंग्स हैं और जिस सेट में ज़्यादा हैं हमें उसे सर्कल करना है सर्कल द मोर मीन जिसमें ज़्यादा है हमें उसे सर्कल करेंगे अंडरस्टूड ओके okay? हर हर ऑब्जेक्ट के टू टू सेट्स गिवन है ओके okay? एक सेट में ज़्यादा है एक सेट में कम है व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू सर्कल द मोर नंबर ओके द मोर नंबर ऑफ थिंग्स जिस सेट में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है ज्यादा थिंग्स हैं हमें उसे सर्कल करना है अंडरस्टूड या सो यू कैन सी इन द फर्स्ट वन इन द फर्स्ट सेट फोर ब्रशेज आर देयर इन द सेकेंड सेट टू ब्रशेज सो विच वन इज मोर फोर और टू कौन सा ज्यादा है फोर या फिर टू ऑफकोर्स फोर इज मोर फोर ज्यादा है फोर इज ग्रेटर तो वॉट विविल सर्कल विविल सर्कल फोर ब्रशेज विविल सर्कल फोर ब्रशेज गुड नाउ सी द सेकेंड वन इन द फर्स्ट सेट टू पेन्स आर देयर इन द सेकेंड सेट फाइव पेन्स आर देयर पहले सेट में दो पेन्स हैं सेकेंड सेट में फाइव पेन्स हैं So, स में ज्यादा है टू और फाइव कौन सा नंबर ज्यादा है टू ज्यादा है या फाइव वेरी गुड फाइव इज मोर सो वॉट वी विल डू विल सर्कल फाइव पेंस वेरी गुड सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व ऑल द रेस्ट क्वेश्चन अंडरस्टूड लाइक दिस ओनली वी विल सोल्व ऑल द रेस्ट क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से सॉल्व करने हैं सो एवरी वन वी विल रिपीट काउंटिंग फ्रॉम वन टू फिफ्टी एवरी वन स्पीक विद मी वन टू थ्री फोर फाइव

Sixteen, Seventeen, Eighteen, Nineteen, Twenty, Twenty-one, Twenty-two, Twenty-three, Twenty-four, Twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, Thirty-three, Thirty-four, Thirty-five, Thirty-six, Thirty-seven, Thirty-eight, Thirty-nine, Forty. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 फिफ्टी गुड सो वट वी हैव डन अभी हमने क्या किया वी हैव रेड काउंटिंग फ्रॉम वन टू फिफ्टी सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट वी हैव टू डू इन द मैथ सेक्शन इन द फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में हमें पिक्चर्स को काउंट करना है और करेक्ट नंबर पे सर्कल करना है एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोर ऑफ थिंग्स इन ई सेट एंड सर्कल हमें फाइंड uh, आउट करना है आइडेंटिफाई करना है कौन से सेट में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें फिर मोर वाले को सर्कल करना है जिसमें ज़्यादा हैं हम उसे सर्कल करेंगे अंडरस्टूड या गुड नाउ सी द ईवीएस सेक्शन लास्ट सेक्शन ईवीएस ओके फिल इन द ब्लैंक्स माय नेम इज इन दिस यू विल फिल योर नेम इसमें आप अपना नेम फिल करेंगे माई नेम इज़ यू विल फिल योर नेम ओके अपना नाम फिल करेंगे यहाँ पर आई स्टडी इन ग्रेड एल के जी आई स्टडी इन ग्रेड एल के जी मैं इस ग्रेड में ग्रेड मीन्स क्लास स्टैंड ओके क्लास ना इसमें आप क्या राइट करेंगे कि आप कौन से है? क्लास में किस ग्रेड में तो यू विल राइट आई स्टडी इन ग्रेड एल के जी माई स्कूल नेम इज़ वॉट यू विल डू यू विल राइट योर स्कूल नेम आपके स्कूल का क्या नाम है अंडरस्टूड यू विल राइट योर स्कूल नेम माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नेम है यू विल राइट दैट ओके

look at the second question write the name of the things you carry in your school bag in the boxes given below Okay. इसमें हमें क्या करना है what we have to do in this question we have to write the name of things उन चीजों का नाम लिखना है जिन्हें हम अपने school bag में ले जाते हैं carry करते हैं the things which we carry in our school bag understood like नोटबुक्स पेंसिल टिफिन बॉटल एंड हैंकर चीफ हैंकर चीफ मीन्स हैंग की आपकी ओके रुमाल एंड